इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आकुमिन टैबलेट का उपयोग मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में माइग्रेन और हॉट फ्लश तेज गर्मी को रोकने के लिए भी किया जाता है। इस दवा को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है, लेकिन रोज एक ही समय पर लेना बेहतर होगा। आपको इस दवा को डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए अनुसार ही लेना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श किए बिना कभी भी इसे बंद नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले अधिकांश मरीज अपने आप को बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं तो लक्षण और बिगड़ सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ सकता है और आप में हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। यह दवा लेते समय आपको नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए। इस दवा के सामान्य साइड इफेक्ट्स में चक्कर आना, सिर दर्द, मिचली आना, थकान, मुंह में सूखापन, कब्ज और अनिद्रा शामिल है। अगर ये साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किडनी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताना बेहतर होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आकुमिन टैबलेट के लाभ। आकुमिन टैबलेट रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करके काम करता है ताकि आपके शरीर में चारों ओर रक्त और अधिक आसानी से बह सके। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है और भविष्य में स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी में समस्याएं होने के जोखिम को कम करता है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इस दवा के अधिकतम प्रभाव के लिए सलाह के अनुसार इसे नियमित रूप से लेना चाहिए, भले ही आप बेहतर महसूस करें। आकुमिन टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। आकुमिन के सामान्य साइड इफेक्ट चक्कर आना, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, मिचली आना, थकान, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का कम होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लार ग्रंथि का साइज बढ़ जाना। आकुमिन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। आकुमिन टैबलेट को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन इसे रोजाना एक निश्चित समय पर लेना बेहतर होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।